Dear students, now the exercise 1.3, question number first. What is the statement of the question first? Convert the following as directed. हमें directly उनको convert करना है. Measurement table we have already discussed. So, first part है इसका 175 kilometer into meters. 175 kilometer को किस में change करना है? Meter में. आप टेबल में देखो, किलोमीटर इज हेयर, किलोमीटर इज हेयर, चेंज किस में करना है? मीटर में. अब किलोमीटर से मीटर कितने स्टेप उधर है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 स्टेप्स है मूव करना हमें. और कहाँ करना है? राइट, लेफ्ट टू राइट. और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो हमें 3 स्टेप्स, इट मीन्स 3 जीरोस, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा? 1000. इट मीन्स जो 1 किलोमीटर है, क्या कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन. लेट सी द सॉल्यूशन. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. और हमारा क्वेश्चन क्या है? 175 किलोमीटर, इसको किस में चेंज करना है? मीटर में. तो 175 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? मीटर. किलोमीटर मीटर कब बनेगा? जब हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 175 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारा? 175 और 3 टाइम्स 0, यानी कि 175,000 मीटर. 175,000 मीटर. क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? 28 किलोग्राम 500 ग्राम इन 2 ग्राम्स. चेंज किस में करना है? ग्राम में. क्वेश्चन किस में है? किलोग्राम और ग्राम में. तो अब किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम टू ग्राम, 1, 2, 3, 3 स्टेप्स ऐसे ही क्या किया हमने? लेफ्ट टू राइट गए. तो किलोग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई. और किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000 से. इट मींस सेम वे में सॉल्यूशन करना है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे साथ में ग्राम्स भी है, तो ये ग्राम्स उसमें ऐड हो जाएंगे. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज किया, ऐसे ही हम भी चेंज करेंगे किलोग्राम टू ग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है बेटा 1000 ग्राम. 1000 ग्राम्स, ग्राम के लिए हम सिर्फ जी भी लिख सकते हैं. और हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? 28 किलोग्राम 500 ग्राम. तो चेंज किस में करना है? ग्राम्स में. ये तो ऑलरेडी ग्राम है, इसको चेंज करना है, इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है. सो 28 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है. सो इसलिए किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम प्लस 500 ग्राम, क्योंकि जो 28 किलोग्राम 500 ग्राम है, इसको हम लिख सकते हैं 28 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम. सो क्या आ गया हमारा? 28,000 ग्राम प्लस 500 ग्राम. विच आंसर विल कम? 28,000, दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, और 5 प्लस 0 5, देन 8 एंड देन 2. आंसर क्या आ गया हमारा? 28,500 ग्राम्स. दैट इज द आंसर. ये हमारा क्या है? आंसर है. क्लियर है? नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 38,975 मिलीलीटर इनटू लीटर. अब क्या करना है? मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना है. मिलीलीटर इज हेयर, लीटर इज हेयर. कैसे चलना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट. इट मीन्स क्या होगी? डिवीजन. कितने स्टेप जंप किए? 1, 2, 3, 3 स्टेप. इट मीन्स 3 0. इट मीन्स क्या हो जाएगा? जो 1 मिलीलीटर है बेटा, वो 1/1000 लीटर है. इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी 5th क्लास में कर चुके हो बहुत बार. क्लियर? 1 मिलीलीटर 1/1000 लीटर, क्योंकि अब क्या होगा? डिवाइड किससे होगा? डिवाइड 1000 से. सो
अगर 1 मिलीलीटर है तो 1/1000, और अगर हमारे पास 38,975 मिलीलीटर है तो 38,975 / 1000. 1 था तो 1/1000, 38,975 है तो 38,975 / 1000, और क्या बन गया? लीटर. जीरोज कितनी है? 3. तो 3 जीरोज के बाद क्या जाएगा? 1, 2, 3 के बाद क्या लगा देंगे हम? डेसिमल. डेसिमल वाला चैप्टर किया ना आपने, सो 38,975 मिलीलीटर फिफ्थ क्लास में किया था. तो जितनी जीरोज हैं उतने के बाद ही पॉइंट लगाएंगे हम. क्या जाएगा? 38.975 लीटर. क्या आंसर आ गया? 38.975 लीटर. क्लियर? या बोल सकते हैं हम इसको 38 लीटर 975 मिलीलीटर. बट हमें क्वेश्चन गिवन था कि सिर्फ हमें लीटर में चेंज करना है, लीटर और मिलीलीटर अलग अलग नहीं करने थे. सो दैट्स व्हाई वी हैव सॉल्व लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लीटर 375 मिलीलीटर into मिलीलीटर. अब ये क्वेश्चन सेम एज सेकेंड क्वेश्चन जैसा है. यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम था, यहाँ पे लीटर से मिलीलीटर है. किलोग्राम से ग्राम कितने जंप थे? 1, 2, 3. 1000 से मल्टीप्लाई किया. लीटर से मिलीलीटर कितने जंप है? 1, 2, 3. यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है. तो सेम एज, बिल्कुल सेम सेकेंड पार्ट के जैसा है, बट लीटर की जगह किलोग्राम था यहाँ पे और मिलीलीटर की जगह ग्राम था. तो सेम आपको 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम था, तो ऐसे ही आप लिखोगे 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर. कैसे करोगे? 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर. और फिर आप 10 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 10 × 1000 = 10,000 हो जाएगा, प्लस 375. सो दिस पार्ट यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. सो टुडेज होमवर्क इज टू राइट द बेसिक टर्म्स. इट मीन्स जो मेजरमेंट टेबल है वो आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, और क्वेश्चन फर्स्ट के जो 4 पार्ट्स हैं यू हैव टू डू दीज. ओके बेटा, थैंक यू.